हेलो गाइस, मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में मैं ये बात करने वाली हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि पढ़ते टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नींद आ जाती है। तो इसे कैसे दूर करें, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये मैं आज बताऊँगी आप लोगों को। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को क्या करना है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो लोग पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं, और पढ़ते पढ़ते ही बुक पे सर रख के सो जाते हैं, या कभी कभी लेटे लेटे सो जाते हैं। तो क्या करें जिससे नींद ना आए बच्चों को। तो पहली बात तो ये कि हम लोगों को कम रोशनी में पढ़ना अवॉइड करना होगा पूरी तरह से, या फिर आप दिन की रोशनी में पढ़ो, या फिर आप रात को सिर्फ लैंप जला के मत पढ़ो, क्योंकि सिर्फ लैंप जला के पढ़ने से काफ़ी परेशानी होती है और आँखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपके, और नींद भी काफ़ी आती है कम रोशनी में पढ़ने से। तो आप ज़्यादा रोशनी में पढ़ो जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको नींद भी ना आए। और बेड पे जो आप लेट के पढ़ते हो ना, वो तो बिल्कुल भी छोड़ दो। बेड पे लेट के पढ़ने से आपको बहुत नींद आएगी, आप सोते ही रहोगे, बस आपको मन करेगा बस अब तो सो जाओ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बेड पे जो आप सो जाते हो उस आदत को आपको नो कह देना है, बेड पे सो के नहीं पढ़ना है कभी भी। फिर आपको ज़्यादा खाना भी नहीं है, ज़्यादा ओवर ईटिंग जो है, अगर ओवर ईटिंग आप करोगे तो आपको नुकसान होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप दिमाग नहीं लगा पाओगे अपना पढ़ाई पे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि खाने से हमारा पेट भर जाता है और फिर हमें मन करता है कि हम बस सो जाएं, हम बस लेट जाएं, और मन ही नहीं करता है आपको फिर कि पढ़ें। तो इस आदत को भी ना कहना होगा, आपको सोना नहीं है। और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी पीने से फ़ायदा होगा। ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगा। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। वैसे भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ही चाहिए, पानी हर इंसान को पीना चाहिए अच्छे से, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पीना है, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो अभी और आपको घर पे बैठे हो, लॉकडाउन है, तो काफ़ी बच्चों को नींद आती है, बहुत नींद आती है, सुबह भी बच्चे लेट से उठते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारा एक रूटीन जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, वो रूटीन जो है हम लोगों का वो रह नहीं पाता उस तरह से। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें ये रहता है जल्द कि हम जल्दी जल्दी तैयार हों, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा बच्चों को, स्पेशली फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और अगर आप दोपहर में आपने लंच किया, उसके बाद आपको सोने का मन कर रहा है, आपको नींद आ रही है, तो आप सो जाओ, थोड़ी देर आप आराम कर लो, ये भी ज़रूरी है आराम करना। तो एक छोटी सी नींद आप ले सकते हो खाना खाने के बाद, जिससे क्या होगा कि आप दिन भर में एक छोटी सी नींद लोगे ना, तो आपका मन करेगा कि आप फिर शाम तक पढ़ते रहो, आप अनलिमिटेड फिर पढ़ना चाहोगे, एटलीस्ट शाम तक पढ़ना चाहोगे, आपका मन करेगा, नींद नहीं आएगी, फ्रेश लगेगा आपको। तो ये आप करके देखो, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप एक छोटी सी नींद ज़रूर लो बीच में। फिर रात के टाइम पे आप वही सब्जेक्ट पढ़ो जो आपका फेवरेट है, जो आपको बहुत मज़ा आता पढ़ने में, क्योंकि जो हमें पसंद नहीं होता ना सब्जेक्ट रात को पढ़ना, वो हम अगर पढ़ेंगे ना तो हमें नींद आएगी, क्योंकि रात है, एक तो नींद का टाइम है, और अगर आप पढ़ रहे हो स्पेशली जब आपका आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप वही सब्जेक्ट रात के लिए चुनो, और रात के लिए साइड करके रख दो वो सब्जेक्ट पहले से ही जो कि आप का फेवरेट है। तो ये आप करके देखो, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपको नींद नहीं आएगी, आप अपने जैसे क्या होता है कि
हम लोगों को क्या पसंद है, हम लोगों को पसंद है मान लो कि हम लोगों को रीडिंग करनी पसंद है, तो हम रीड करेंगे रात को, सिर्फ रीडिंग का टाइम निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आप रात को सिर्फ रीडिंग पड़ेगा जिसमें हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें। रात को टाइम से सोएं, आप 9 बजे सो जाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बच्चे क्या, आजकल तो सारे ही बच्चे गेम्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बच्चों पबजी बंद हो गया है, अब आराम से आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि जो पबजी है ना वो भी बंद होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पबजी के बंद होने से हमारी जितनी भी बच्चों की एजुकेशन है ना वो बच गई है। ये पेरेंट्स ज़्यादा मानेंगे, अग्री करेंगे, बच्चे तो नहीं मानेंगे कि उन्हें ये लग रहा है कि हमारा एक बहुत ही प्यारा गेम जो है वो मिस हो रहा है या मिस हो गया, पर ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे पेरेंट्स कि पबजी जो है वो बंद होने का, और भी कुछ गेम्स बंद हुए हैं तो मैं नाम नहीं बोलूँगी, पर और भी कुछ गेम्स बंद हो गए हैं, तो इससे बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा ये हुआ है। तो हम लोगों को और क्या करना है इसके, जिससे कि हम लोगों की जो नींद है उस पर हम काबू अपने पा सकें, तो हम एक और काम कर सकते हैं कि हमें बोल बोल कर पढ़ना है, मतलब जो भी हम याद कर रहे हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को नींद नहीं आएगी पहली बात तो, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे से नहीं पढ़ रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं तो हमें नींद नहीं आएगी, और हमें याद भी ज़्यादा अच्छे से होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करके देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे चाह कर भी, वो चाहते हैं कि हाँ हम अपनी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करें, हम पढ़ें, हम याद करें, पर नहीं कर पाते क्योंकि वो टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाते, टारगेट अचीव नहीं कर पाते पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन में। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ से, प्लीज़ आप ये करो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको कैसा लग रहा है, आप ये सब अप्लाई करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें अपना। थैंक यू सो मच।